तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ के गांव कनुनिया में शिक्षा विभाग और सर शहीद एजुकेशन एनजीओ ने मिलकर एक प्रोग्राम किया, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारी, सिविल सोसाइटी के लोग और काफी तादाद में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले सभी ने मिलकर पेड़ लगाए और उसके साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया। कार्यक्रम का यही महत्व है कि इन बच्चों को अपने देश के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे अपने देश के लिए कुछ कर सके। तो जम्मू के पूंछ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सीमावर्ती जिला में ये आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया है। सभी ने मिलकर पेड़ लगाए हैं, रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। तो जम्मू के पूंछ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सीमावर्ती जिला में आयोजन किया गया है, कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। सभी ने मिलकर पेड़ लगाए हैं। आज हमारी एनजीओ सर सैयद एजुकेशन मिशन जो है वो लास्ट 10 साल से काम कर रही है, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक जो सेंटर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक कंपेन लेके चल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके, जिसमें आज हमने यहाँ एक हाई स्कूल कनुनिया में एक फंक्शन रखा था, जिसमें डिफरेंट बच्चों ने अपना प्रेजेंट किया, डिफरेंट कल्चर को प्रेजेंट किया, डिफरेंट फोक जो लोकल फोक है उसको प्रेजेंट किया, और हम चाहते हैं कि यही बच्चे लेके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आज नर्सरी क्लास के बच्चों ने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं डिफरेंट विलेजेस को अडॉप्ट करिए, वहाँ इन बच्चों को तैयार करिए, ताकि वो बच्चे एजुकेशन में, कल्चर आइटम्स में, फोक में आगे आ जाएं और हमारा नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम था वो सर सैयद अहमद एजुकेशन मिशन के तहत स्कूल में कराया गया, जो एक एनजीओ है। तो इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत नेशनल इंटीग्रेशन को एम लेके हम हर जगह करवाते हैं, और उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हाई स्कूल कनुनिया में भी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम ये रहता है कि छोटे बच्चों में हम इनकलकेट करें वो नेशनल इंटीग्रेशन की भावना,